नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दिनांक 1 अगस्त को शिवसेना कानपुर मंडल के पदाधिकारियों की एक बैठक बर्रा 6 स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल प्रमुख शिव कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना सभी सीटों से अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, जिसके लिए सभी विधानसभा प्रमुखों को एक माह में वार्ड प्रमुखों की सूची तैयार करने को कहा है। राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए मंडल प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र मंडल लागू करने की जरूरत है, गुजरात मॉडल की नहीं। संगठन का विस्तार करते हुए रत्येंद्र सिंह राजू को मंडल सचिव व रवि अग्निहोत्री को सदस्य के पद पर नियुक्त किया गया। बैठक में मुख्य रूप से सोमनाथ वर्मा उप प्रमुख, नरेश शर्मा प्रमुख सचिव, शिवम शुक्ला प्रचार सचिव, राकेश शर्मा मंडल सचिव, उमेश सोनी मंडल प्रचार सचिव, शैलेंद्र सक्सेना नगर प्रमुख युवा शाखा, रवि यादव ऑटो यूनियन जिला अध्यक्ष, महेश शर्मा, राजकुमारी वर्मा नगर प्रमुख महिला शाखा, अलका मिश्रा महाराष्ट्रपुर विधानसभा प्रमुख आदि पदाधिकारी मौजूद रहे। विश्वकर्मा शिवसेना से मंडल प्रमुख हूँ। आज शिवसेना कानपुर मंडल के पदाधिकारियों की एक बैठक बर्रा 6 कार्यालय में आहूत की गई है। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही कानपुर महानगर के 10 विधानसभा प्रमुखों को निर्देशित किया गया है, एक माह के अंदर सभी विधानसभा प्रमुख अपने अपने वार्डों की सूची बनाकर कार्यालय में संपर्क देंगे। साथ ही मैं कहना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आदेश जारी हुआ कि गुजरात महाराष्ट्र मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं लागू कर रही? हर वक्त गुजरात मॉडल चिल्लाना कहां तक इनका है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि महाराष्ट्र मॉडल दिया जाए। तो भाजपा सरकार शिवसेना के खिलाफ जो बोलती है वो बंद करे। साथ ही शिवसेना अब अपने दमखम में चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। उत्तर प्रदेश में और श्री राम के नाम पर चुनाव होगा, विकास के नाम पर चुनाव होगा। शिवसेना अपनी तैयारी पे। कानपुर में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? योगी सरकार ने फेल है भाई, मैं पहले बोल चुका हूँ। धर्मांतर के मुद्दे नहीं रोक सकी। अभी नमस्ता के हाल ही में देखिए, हिंदुओं के साथ भगाया, जबरन भगाया जा रहा कि धर्म परिवर्तन कर लीजिए अन्यथा घर छोड़ के भाग जाइए। सरकार हर माने में फेल है। जबकि कमिश्नरी लागू होने के बाद भी सही कई जगह सख्ती से पालन कराया जा रहा है, लेकिन कानपुर शहर में बिल्कुल अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है। नहीं, अपराध तो कहाँ रुक रहा है, सरकार फेल है चारों तरफ से। अच्छा, आने वाले 2022 के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी सरकार को क्या जनता जवाब देगी, किस तरीके से होती है? भारतीय जनता पार्टी ने जो झूमला दे के जनता इससे लूटने का